ये बात निश्चित है, जो कुछ भी चाहते हो इस लोक का या परलोक का, वो सब तुम्हें यहाँ मिलेगा। एक बार भाव से झुक करके देखो तो सही, एक बार मन से नमन करके देखो तो सही, एक बार उस परम तप को धारण करके देखो तो सही, वो सब तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम चाहते हो, जो पाना चाहते हो, ये 9 दिन इसी के लिए है। ये नवरात्रि के दिन इसी के लिए हैं कि आओ, जो शक्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न स्वरूपों में है, उस शक्ति का आह्वान किसी भी नाम के सहारे कर लो, उस शक्ति का आह्वान किसी भी रूप में कर लो, उस शक्ति को कैसे भी भज लो, आपका कल्याण ही होना है। आप सब मिलकर श्वेद व्यास जी ने जो माँ भगवती की उपासना की, उस भगवती की उपासना में हम और आप सब सम्मिलित होते और भाव से वंदन करते हुए माँ को कहेंगे, प्रणतानं प्रसीदत्वं देवी शक्ति को अपनी वाणी से वर्णित करना यह संभव किसी के बस की बात नहीं, यह करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जिस जिसने जितना जितना अनुभव किया, जिस जिसने जितना जितना माँ की कृपा को महसूस किया, उसने उतना उतना भाव से उसको गाया। कोई इसको गीतों में गाता है, कोई श्लोकों में भजता है, कोई मंत्रों में जपता है, कोई धूप दीप लगाकर उसकी उपासना करता है, और अलग अलग तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। बहुत सी इच्छाएं हैं इस धरती पर आकर मनुष्य की, कोई एक दो इच्छा नहीं है, बहुत सी इच्छाएं हैं। और केवल मनुष्य की तो बात क्या कहे, इस धरती पर जो भी आया है, इस धरती पर जो भी आया है, कुछ न कुछ इच्छाएं उसकी रही ही है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई इच्छा न रही हो, कुछ चाहत न रही हो, कुछ पाना नहीं चाहते हो। ये सत्य तो है, थोड़े से वक्त में हम क्या कुछ पा लेना चाहते हैं। दुनिया एक सपना है, अपना घर नहीं, सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। कितना कुछ पा लेना चाहते हैं, कितना कुछ इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, सब कुछ मिल जाए, संतान संतति धन वैभव यश कीर्ति बुद्धि, क्या है ऐसा जो मुझसे छूट जाए? कुछ नहीं, सब कुछ पा लेने की जिसकी वृत्ति है, सब कुछ प्राप्त कर देने की, इस थोड़े से छोटे से समय में, इस थोड़े से जीवन काल में सब पा लेना चाहता है मनुष्य। बहुत ठीक किसी ने कहा है, है वक्त बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा सा समय है, इसमें किस तरीके से समय आपको निकालना है, या आपको निश्चित करना पड़ेगा, पूरा जीवन रोते हुए या पूरा जीवन कहीं ना कहीं शरणागत होकर। तुम्हारा जीवन है,
जैसे कल बताया था कि सब कुछ आएगा इसमें, कष्ट सुख दुख सब चलेगा, ये तुम्हें निर्णय करना है, तुम्हारा जीवन तुम्हें कैसे बिताना है।